Hello students and welcome to complete mathematics course for CBSE term 2 board examinations live on Aptum classes. This is Maitri Shandilya from IIT Delhi and we are discussing definite integrals. So before we move forward, here's a quick review ki abhi tak humne kya kya dekha hai. हम पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल्स. हमने देखा कि इन डेफिनेट इंटीग्रल में एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट डाल दो, मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो वो इनडेफिनेट से डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा. हमने देखा कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल लो एक्स के टर्म्स में, उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. उसके बाद हम एरिया फंक्शन देख रहे थे, तो एरिया फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू एक्स. फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या था, कि एरिया फंक्शन का डिफरेंशियल इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स. जाहिर सी बात है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एरिया फंक्शन है, तो एरिया फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स होएगा. सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या था, ए टू बी यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. बेसिकली ये सारी वो चीजें हैं जो हमें पहले से पता है, उन्हें बस फैंसी नाम दे दिया गया है. उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में आए थे, जो कि इंपॉर्टेंट था. पहली प्रॉपर्टी थी कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डीटी फ्रॉम ए टू बी, मतलब वेरिएबल्स चेंज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. चेंज ऑफ वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए. ऐसा क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अभी हमने पढ़ा, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, अभी हमने देखा था. लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहां पे अपर लिमिट ए है, लोअर लिमिट बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन आ जाएगा, करेक्ट. तो इससे क्या पता चलता है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू ए, ए से लेकर ए तक जीरो होगा. जाहिर सी बात है, एरिया इसके अंडर ए से लेके ए तक कोई एरिया नहीं है, नेग्लिजिबल एरिया, तो वो जीरो हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. हमने देखा था कि एरिया निकालना है अगर ए से बी तक, तो ए से बी तक या तो एक बार में पूरा एरिया निकाल लो या फिर पहले ए से सी तक निकालो फिर सी से बी तक निकाल दो. बात एक ही है, जितने मन उतने टुकड़ों में बांट सकते हो. तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी, करेक्ट. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसमें क्या बोला था मैंने कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी. सम ऑफ द लिमिट्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे. इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी.
प्रॉपर्टी 4 इज अ कोरोलरी ऑफ प्रॉपर्टी 3. कोरोलरी क्या होती है? अगर हम किसी प्रॉपर्टी से दूसरे प्रॉपर्टी को डिराइव कर सकते हैं तो उसे कोरोलरी कहते हैं. इसमें क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सम ऑफ लिमिट्स ए प्लस 0 इज ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए, करेक्ट? चलो अगेन, ये एक प्रॉपर्टी थी कि 0 से 2 ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स. ये याद करना है, हालांकि ये उतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? चलो अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 7. अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, मतलब f of x is equal to minus of f of minus x. Odd function मतलब origin के about symmetric है, ठीक है? Odd function का graph कुछ ऐसा होता है. Sorry, मैंने गलत बनाया. Origin के about symmetric कोई भी graph ले सकते हैं आप. For example, ये graph. Origin से इधर जो है वही origin के इधर भी है. Correct? तो ये एक odd function है. Mathematically f of x is equal to minus of f of minus x, ठीक है? तो अगर कोई odd function है और हम उसे minus a से a के बीच में integrate कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इधर जितना positive आएगा, इधर उतना ही negative आ जाएगा. तो net integration क्या हो जाएगा? Zero. तो f of a minus integration of f of x dx from minus a to a is जीरो. यही इवन फंक्शन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट जो सिमेट्रिकल हो, मतलब जो वाई एक्सिस के इधर हो वही वाई एक्सिस के दूसरे साइड भी हो. अब इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंस्टीड ऑफ पूरे को इंटीग्रेट करना, आधे को इंटीग्रेट करके बाई इंटू टू कर दो, आधे को इंटीग्रेट करके इंटू टू कर दो, क्योंकि जितना वाई एक्सिस के राइट साइड होएगा उतना ही वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड होएगा, क्योंकि इवन फंक्शन है. तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए, करेक्ट? इफ एफ इज एन इवन फंक्शन. और माइनस ए सो ए टू का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन, करेक्ट? चलो उसके बाद ये सब तो हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, इसमें डेफिनिट आया ही नहीं था, ये सब इनडेफिनिट का एग्जांपल था. ये था डेफिनिट का पहला एग्जांपल. तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी. जल्दी से इसको पहले एक बार आप देखिए. चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ. एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल. सेम प्रॉपर्टी इसमें लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। इस पूरे को मैं ऐसे आई मान लेती हूं, तो आई इज इक्वल टू दिस एज वेल, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स, तो दिस इज, तो इंप्लाइज टू आई इज इक्वल टू, मतलब एक बार आई को हम ये लेते हैं, इसको इक्वेशन वन मानते हैं, और एक बार आई इज इक्वल टू दिस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसे हम इक्वेशन टू मानते हैं, और वन और टू को ऐड कर दो तो आई प्लस आई टू आई, टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स, करेक्ट करेक्ट। चलो अब एक और काम करते हैं, इसे हमें कैसे एक सिंगल टर्म में लाना है ये चीज हमें पता है, इसे हम लिख सकते हैं वन बाय रूट टू कॉस एक्स प्लस वन बाय रूट टू साइन एक्स इंटू डीएक्स। अब नीचे वन बाय रूट टू से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, वन बाय रूट टू बाहर ले आते हैं, तो दिस इज इक्वल टू वन बाय रूट टू जीरो से पाई बाय टू वन अपॉन ये किसका साइन है, साइन 45 डिग्रीज वन बाय रूट टू, कॉस 45 डिग्रीज ऑल्सो इक्वल टू वन बाय रूट टू, तो साइन वन बाय रूट टू कॉस एक्स प्लस कॉस वन बाय रूट टू साइन एक्स, या तो उस फॉर्म में लिख दो या फिर कॉस वन बाय रूट टू इंटू कॉस एक्स प्लस साइन वन बाय रूट टू इंटू साइन एक्स, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का, तो इसे हम सीधे सीधे कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू वन बाय रूट टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू sec of x minus pi by 4 dx, sec of x minus pi by 4 dx, करेक्ट। और sec x का तो इंटीग्रेशन हमें आता है, वो क्या हो जाएगा, log sec x minus pi by 4 plus tan x माइनस पाई बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम, इसका लिमिट क्या डालना है, जीरो से पाई बाई टू। अब अगर पाई बाई टू पुट कर देंगे और इसे आगे जाके कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये आएगा टू बाई रूट टू लॉग रूट टू प्लस वन, कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूं, ये टू आई की वैल्यू है, हम टू आई कैलकुलेट कर रहे थे, तो आई क्या हो जाएगा, वन बाय रूट टू लॉग ऑफ रूट टू प्लस वन, करेक्ट। चलो एक बार जल्दी से ये देख लो, अगर कोई भी डाउट है तो लेट मी नो जल्दी से, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी फोर यूज किया है।
चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लो। इसमें हिंट ये रहेगा कि जहां जहां पे मोड का वैल्यू जीरो होगा वहां वहां पे फंक्शन चेंज करेगा। तो बेसिकली हमें फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा टू से माइनस वन से टू के हर इंटरवल में। एक बार देख लो आराम से। चलो देखते हैं ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन माइनस वन होगा। ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। और ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं। अब पहला लेते हैं केस वन, एक्स इज लेस देन माइनस वन, उसमें सारा का सारा निगेटिव से मॉड खुलेगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन। तो माइनस थ्री एक्स। अब माइनस वन से एक्स से जीरो में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों अभी भी नेगेटिव होगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, जीरो से एक्स से वन। ये और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। फाइनली एक्स ग्रेटर देन वन पे सारे के सारे पॉजिटिव, तो थ्री एक्स करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, माइनस वन से जीरो टू माइनस एक्स प्लस जीरो से वन एक्स प्लस टू। प्लस वन से टू
3x। अब तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 से 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x 0 से 1 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 से 2 करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, 0 पे तो 0 माइनस माइनस 1 पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 और 1 बाय 2 प्लस 2 माइनस 0 पे रखने पे 0 प्लस 6 माइनस 3 बाय 2 दिस इज इक्वल टू 5 बाय 2 प्लस 5 बाय 2 प्लस 9 बाय 2 इज इक्वल टू 19 बाय 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंट इंटरवल्स के लिए डिफाइन करके उसमें इंटीग्रेट कर दिया। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो लेट मी नो। एनी डाउट? चलो फिर इसे क्लियर करते हैं। अब मैं अपने साइड से कुछ क्वेश्चंस देती हूं। आसान से करते हैं पहले। इंटीग्रेशन 1 से 4 8 बाय रूट टी माइनस 12 टी क्यूब का रूट डीटी, देख लो जल्दी से। पहले आप देखो फिर मैं बताती हूं, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, जल्दी से करो और आंसर बताओ। चलो तो ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन पे लिमिट्स डालना है।
ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन पे वैल्यू पुट करनी थी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये करो, एक बार ये देखो जल्दी से। इसमें फिर वही करना है, दो इंटरवल में ब्रेक करके इंटीग्रेट करना है। देखते हैं, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, 16 - 1 = 15, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसमें फिर इंटरवल्स में आपको ब्रेक करना है। तो ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन फाइव, तो 3 से 5 में ये निगेटिव में खुलेगा,
10 by 2x dx plus 5 to 6 2x minus 50 10 dx 10x minus x square 3 से 5 प्लस x square minus 10x 5 से 6 50 minus 25 minus 30 minus 9 plus 36 minus 60 minus 25 minus 50 25 minus 21 plus 25 minus 24 50 minus 45 equals to 5 answer correct chalo एक अगला क्वेश्चन देखो चलो एक बार ये देखो इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर 2x प्लस x प्लस 2 dx देख लो जल्दी से उसके बाद ये वाला देखना चलो तो इसे तो इंटीग्रेट करना आसान है e की पावर 2x बाय 2 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x फ्रॉम 0 से 1 e स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 2 माइनस 1 बाय 2 e स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 answer ये वाला next है ये clever question है जल्दी से सोचो
चलो साफ साफ माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू दिख रहा है, माइनस ए से ए मतलब ऑड या इवन का कुछ चक्कर है। इस फंक्शन को ध्यान से देखो, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, साइन एक्स ऑड फंक्शन है, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में ये पूरा तो जीरो हो जाएगा, तो क्लियरली जो बचेगा वो बचेगा ये, तो ये हो जाएगा सिंपली पाई। करेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन जीरो से टू डीएक्स अपॉन रूट ओवर एट एक्स प्लस नाइन, ये तो आसान से है, जल्दी से कर लो। ये तो सिंपल सा 8x प्लस 9 माइनस हाफ dx, 8x प्लस 9 अपॉन हाफ फ्रॉम 0 से 2, 5 बाय हाफ माइनस 3 बाय हाफ, 10 माइनस 6 4 इज द आंसर। करेक्ट, ये भी काफी आसान था, सीधे इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करनी थी, राइट। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट। चलो देख लो जल्दी से, एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। आइलेट में अलजेब्रिक नीचे आता है, एक्सपोनेंशियल ऊपर, तो ये डिफरेंशिएट होएगा और ये इंटीग्रेट होएगा। एक्सपोनेंशियल नीचे आता है, अलजेब्रिक ऊपर, जो ऊपर है वो डिफरेंशिएट होगा। तो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टू एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टू एक्स डी एक्स
जीरो से वन, तो दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई टू माइनस ई स्क्वायर बाई फोर, और जीरो पे तो माइनस जीरो माइनस वन बाई फोर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई फोर प्लस वन बाई फोर आंसर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो तो आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि हमने कैसे सिंपल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे लिमिट्स लगा के उसे डेफिनेट का सवाल बनाया, और काफी ज्यादा आसान है। सारे प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज करके आना ताकि नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो इनडेफिनिट पे नहीं डेफिनेट पे ज्यादा बेस्ड होगा, तो उसमें प्रॉपर्टीज ज्यादा यूज होंगी, तो उसे थोड़ा प्रॉपर्टीज अच्छे से करके आना, तो कल बहुत एक्साइटिंग सवाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।